मुंजिया मूवी देखनी है मगर पॉकेट में पैसे नहीं है। चुरा लो। मेरा मतलब कि OTT पर आने का इंतजार कर लो, फिर अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आराम से बैठ के देखना। मगर इसके लिए तुम्हें पता भी तो होनी चाहिए कि मूवी आखिर OTT पर कब आएगी और कौन से प्लेटफॉर्म पर। अरे तो मैं हूँ ना, मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, यही सब करता हूँ मैं दिन भर। देखो मुंजिया मूवी तो मुझे बहुत जबरदस्त लगी। एक तो इंडिया में हॉरर मूवी बहुत कम बनती है, और बनती भी है तो उसमें से एक आधी मूवी अच्छी निकलती है, जिसमें से मुंजिया मूवी भी एक है। और लोग इसे देखने के लिए इतने उतावले इसलिए हैं, सबसे पहले तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे दे रहा हूँ अगर तुम्हें नहीं पता कि ये स्त्री के सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें अभी तक स्त्री 1 और भेड़िया मूवी आ चुकी है। और अगर OTT रिलीज डेट के बारे में बात करें तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि आखिर इस मूवी के राइट्स को परचेज किसने किया है और कितने में किया है, क्योंकि उसी के प्लेटफॉर्म पर आएगी ये मूवी। तो मूवी के बजट को तो 70-80 करोड़ बताया जा रहा है, एंड जो मूवी के राइट्स हैं वो करीबन 40 करोड़ में बिके हैं, तो ठाक बिक गए हैं। लेकिन इस बार हमारे मोटा भाई ने बाजी मार ली है, क्योंकि इसके राइट्स मोटा भाई के पास हैं, एंड ये मूवी आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिलेगी। लेकिन मोटा भाई से मुझे यही कहना है कि आप किस जन्म का हमसे बदला ले रहे हो, बाकी प्लेटफॉर्म पर जो मूवी है करीबन 2-3 महीने के बीच में OTT पर डाल दी जाती है, मगर जो हमारे मोटा भाई है वो हमारा 4-5 महीना ले लेते हैं, कई कई बार तो ये 6 महीने के बाद मूवी को अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। तो इसके साथ बिल्कुल ऐसा मत करना वरना जनता माफ नहीं करेगी। मगर तभी भी मेरे बताने से अगर आपका दिल हल्का हो जाता है इस मूवी का OTT रिलीज डेट, तो देखो सितंबर से पहले तो आपको ये मूवी जियो सिनेमा पर देखने को नहीं मिलेगी। सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के मिड तक आपको ये मूवी OTT पर देखने को मिलेगी। तो अगर मन है तो अभी जाकर थिएटर में देख के आ जाओ, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके जेब में पैसे नहीं होते, एंड जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास टाइम नहीं होते। लेकिन मैं बता रहा हूँ मूवी जबरदस्त है, ये मूवी को इंसान क्या एलियन भी देखने के लिए आएंगे। मगर इन फ्यूचर कुछ और अपडेट आते हैं तो आपका भाई आपको जरूर बता देगा, बस बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगी। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए यश 2 मूवीज।